चस्काए यारानू। मुझे आज भी याद है जब ये गाना आया था ना, ऐसा म्यूजिक, लिरिक्स और वीडियोस कोई भी नहीं बना रहा था एक शख्स के सिवा, यो हनी सिंह। Award here for the International Icon Male and the Zenith goes to International Icon Male, Hani Singh. Yeah, sari duniya kehndi yo Hani Singh. भाई साहब, बंदे ने पूरी इंडस्ट्री ला दी। फिर चाहे तुम पंगा की बात करो या फिर डोप शोप के उन बीट्स की बात करो कि 90s किड्स आज तक उस गाने को परवाइव करते हैं, आज तक, विच इज वेरी रेयर। अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तुम लोग जानते हो कि भाई हनी सिंह का तो मैं फैन बॉय हूं। उनकी स्टोरीज जब भी भाई कोई नया सॉन्ग आता है ना, आजकल जो भी डाल रहे हैं वो मैं डालता रहता हूं, स्टोरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से मैं दीवाना हुआ, क्योंकि मैं यूजुअली ना इतना इजीली किसी का फैन नहीं बनता। फैन के लिए मुझे टाइम लगता है, मैं इंस्पायर काफी लोगों से होता हूं, लेकिन ऐसा क्या था कि हनी सिंह ने सबको दीवाना बना दिया? आओ जानते हैं। एंड प्रॉब्ली ये सारे स्टेप्स आप अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज काइंड ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट ब्रेकडाउन एंड आपके लिए एक मोटिवेशनल सी वीडियो। हनी सिंह भाई एक वाइब रहे हैं एंड इतनी सक्सेसफुली अपने एटीट्यूड को कैरी करना अपने गानों में, अपनी लिरिक्स में बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर गाने में बंदा फियरलेस है, दबंग है, केयर फ्री है। तो जो लोग होते हैं ना वो ऐसा बंदे को प्रेफर करते हैं जो कि अपने आप वो शायद ना बन पाए एंड किसी और को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हाँ यार बनना है तो ऐसा बनना है। प्रॉब्ली दैट्स द रीजन कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के काफी सारे डार्क सीक्रेट्स भी है, लेकिन उनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज सिर्फ हनी सिंह के बारे में करेंगे बातें। लाइफ में भाई तुम कुछ भी करो, मोटिवेटेड और फियरलेस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट डे पे मोटिवेशन होती है ना कि हाँ यार इस काम को स्टार्ट किया हमें, ये सब इसमें सब डाल देना है, सब फूंक देना है, वो अगर एंड तक होगी तभी तुम अपने काम में बेस्ट बन पाओगे। एंड इसी के चलते मैंने अपना एक चैनल भी स्टार्ट किया है जहां पे जो मेरा मन करता है मैं वो बनाता हूं, लक्ष्य ठाकुर के नाम से, जो मेरा पूरा नाम है। एंड वहां पर जिस तरीके से मुझे फ्रीडम मिलती है ना, फ्रीडम ऑफ कंटेंट एंड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, मुझे लगता है इसके आगे कोई मुझे ऐसी चीज नहीं है जो इस दुनिया में चाहिए होगी। सेकंड पॉइंट मुझे लगता है हनी सिंह का नेवर बैक डाउन एटीट्यूड। भाई जो यो हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था वो कोई बच्चों की खांसी जुकाम नहीं है जो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, दवाइयां ले ली और हो गया काम। बंदे ने बहुत हिम्मत दिखाई है लाइफ में, जितनी भी हार्डशिप्स फेंकी है उनकी तरफ उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से उनका मुकाबला किया, कह सकते हो, या लड़े हैं वो, कि कोई और शायद उनकी जगह होता तो प्रॉब्ली ना कर पाता। अब इस चीज से रिलेटेड ना मैं एक पर्सनली अपनी लाइफ में एक चीज करता हूं जिसको बोलते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिनेशन। अब यहां पर क्या होता है, आपके साथ किसी भी काम में जो आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे को डर लग रहा है ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, उस काम का वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो कि हाँ भाई चल ये हो गया तो इससे बुरा क्या ही होगा। हमेशा मैं भी ये चीज लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो है, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, बट जितने देखेंगे वो फैन बॉयज होंगे प्रॉपर हनी सिंह के, एंड उनसे मेरी दिल की बात जुड़ी है एंड उनको पता है कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। तो हाँ मुझे एक डर भी है, लेकिन मैंने कहा कि चल वीडियो नहीं चलेगी ना, सबसे ज्यादा और क्या हो सकता है बुरा मेरे साथ। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर हिम्मत दिखानी जरूरी है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ बनाऊं और ये मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस देखे, सो दैट दे कैन गेट अ पीस ऑफ माइंड। जिसने ये वाली आर्ट सीख ली ना वो प्रॉब्ली कल को नहीं, परसों को नहीं, जल्दी नहीं, प्रॉब्ली सालों लग जाए, लेकिन टॉप पे जरूर पहुंचेगा एंड आई एम श्योर कि अपने काम में बिल्कुल बेस्ट बनेगा। थर्ड पॉइंट जो हमें हनी सिंह से सीखना चाहिए वो है बीइंग ऑन टॉप। टॉप में रहना और नंबर वन होना क्या होता है भाई? हनी सिंह का जब एरा था ना वो टाइम था जब वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या तुम्हें याद है कि कोई और रैपर था और कोई बंदा था जिसमें हनी सिंह की कोई टक्कर का आया करता था? ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि हनी सिंह वॉज एंड इज द ओजी ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, खास करके अगर पंजाबी रैप्स या फिर प्रॉपर रैप्स की बात करी जाए तो। मेनली हनी सिंह जो है ना वो रैपर अपने आपको खुद नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ एंड मेरे को लिरिक्स लिखना पसंद है। एंड उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो ना रिलेटेबल होते हैं अपनी ऑडियंस से और अपनी ऑडियंस को समझ हैं। यूथ में कह रहे थे मैं हुडी पहन के जाता हूं और मैं लोगों की बातें सुनता हूं कि आजकल क्या बातें चल रही है, क्या स्लैंग्स चल रहे हैं, उनको अपने कंटेंट में, अपने म्यूजिक में डालना, भाई ये पता है बहुत बड़ी बात है। हम लोग 5 साल से ये सब कर रहे हैं यूट्यूब का और हम आज तक नहीं समझ पाए कि प्रॉपर एक कंज्यूमर माइंड क्या होता है, क्योंकि इसको मैं मजा प्लस बिजनेस दोनों तरीके से देखता हूं। लेकिन हां मैं अपनी ऑडियंस को तो खैर अच्छे से जानता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा वाली जो आर्ट फॉर्म होती है ना वो करनी बहुत डिफिकल्ट है एंड ये बच्चों का खेल नहीं है भाई। अपने बंदों को प्यार से रखना, ऑडियंस का माइंडसेट समझना एंड कंटेंट फिर उसी के डायरेक्शन पे देके दे मारना,
एक अच्छी आर्ट फॉर्म पे आ जाती है जो तुम लोगों को सीखनी चाहिए, खास करके अगर तुम अपने 20s में हो, क्योंकि ये वाला जो स्किल है ना बहुत काम आएगा तुम्हारे आगे चल के। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो मुझे लगता है हनी सिंह का जुड़ा हुआ है मेरे साथ, जो कि बहुत ज्यादा दिल के करीब है, वो है कमिंग अहेड विद एवरीवन। अब अगर आप देखोगे हनी सिंह को आजकल, वो भाई वापस ट्राई कर रहे हैं, वो वापस उतने गाने डाल रहे हैं जितने पहले डालते थे, सेम म्यूजिक प्रोडक्शन, प्रॉब्ली लोगों को उतने पसंद नहीं आ रहे, वो उनको पहले वाले लुक में देखना चाहते थे, बंदे ने अपनी लुक को सेम वैसा कर लिया। जबकि बायपोलर डिसऑर्डर में मैंने तो यही सुना है कि भाई वापस तुम फैट को शेड नहीं कर सकते हो, वापस वैसी बॉडी फिजिक करना बहुत मुश्किल है, हेयर स्टाइल से लेकर बॉडी फिजिक सब मेंटेन करी है हनी सिंह ने। तो आई डोंट नो ऑडियंस को और क्या चाहिए, अभी भी कोई मेरे ख्याल से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लोगों को पहले वाला एरा चाहिए, जो कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं मिस करता हूँ, बट हाँ धीरे धीरे हो जाएगा यार, अभी तो एंट्री मारेगी दोबारा, सब ठीक होगा। कमिंग अहेड विद एवरीवन से मेरा एक सिंपल सा मतलब है कि भाई जो बंदा है ना वो सबको साथ लेके चलता है। अब कोलैबोरेशंस चल रही हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस और सारे आ रहे हैं, तो टीम वर्क में बिलीव करने वाला जो बंदा होगा ना वो दूर तक जा पाएगा। एंड आज तक मैं ना बहुत सारी चीजें अकेले करता हूँ, जैसे कि ये शूट में अकेले कर रहा हूँ, एडिटिंग के लिए चलो मेरे पास है बहुत होनहार एडिटर्स, बट फिर भी काफी सारी चीजें अकेले करनी पड़ती है। बट आई थिंक अगर एक टीम वर्क करा जाए ना तो इस चैनल को पता नहीं हम कहां पहुंचा सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना हनी सिंह की, वो है गेम स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। पता है कि भाई म्यूजिक में ही कुछ करना है, म्यूजिक से ही मेरी पहचान है और म्यूजिक से ही मेरा एंड है, तो उनको पता है कि किस तरीके से मॉड्यूलेशन लेके आनी है, किस तरीके से चलना है, क्या क्या चीजें होनी है, विच इज अ रियली गुड ट्रेट विच यू शुड लर्न। तो हाँ मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या भाई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा आपको वीडियोस बनाकर, मेरा काम है आपको पर्सनैलिटी ओवरऑल सिखाना, मेरा काम है आपको फैशन सिखाना, ग्रूमिंग सिखाना, लेकिन हाँ ये वाला पर्सनैलिटी ट्रेट होने चाहिए मेरे हिसाब से आप सबके अंदर। सो या दैट्स वाई दिस वीडियो इज हेयर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर हाय बोलना बिल्कुल भी मत भूलना, lakshya_thakur इज माई इंस्टाग्राम यूजर नेम, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, एंड लिंक्स आपको बहुत सारी चीज़ों के मिल जाएंगे अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हो इस चैनल की। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।